नमस्कार। आज हम कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, जीवन से संबंधित। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन क्या है, इसे किस तरह से पूरी तरह से निचोड़ा जा सकता है। तो शुरुआत में सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम निर्भर होकर बर्डन फ्री लाइफ कैसे जिए। बर्डन काफी तरह का हो सकता है, ठंड ज्यादा है यह भी एक बर्डन हो सकता है, छोटी छोटी चीजों का बर्डन। बर्डन यह भी लग सकता है हम क्या करें, जिंदगी जीने दूभर लग रही है, मजबूर हो गए हैं, इस तरह से कुछ। कई बार कुदरती बर्डन लगता है, कई बार कामकाजी बर्डन, कई बार पढ़ाई लिखाई का बर्डन, या फिर और शरीर तन से संबंधित बर्डन, भार किसी भी तरह का हो सकता है, मन से संबंधित बर्डन। तो काफी तरह के भार हो सकते हैं, लेकिन हम किस तरह से भार से छूट सकते हैं हमें यह देखना है। तो भार भार भार, अगर हम भार भार को बार 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 बोलेंगे तो भार और भी भार लगने लगेगा। तो भार से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमें भार शब्द को अपनी डिक्शनरी, अपनी शब्दावली से निकालना होगा। भार शब्द बाहर निकलते ही हमें कुछ हल्कापन महसूस होगा। हल्कापन महसूस करने के लिए हमें एक नया शब्द अपनी डिक्शनरी, अपनी शब्दावली, अपने व्यवहार में, अपनी वर्ता बोलने में लाना होगा, वो है हल्कापन। तो हमें खुद भी हल्का रहना है, मन से भी, तन से भी, बाहर से भी, हर तरफ से, कुदरत के साथ भी, अपने कामकाज के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी, और अपने भीतर भी। सबसे ज्यादा जरूरी, हम जब तक अपने भीतर से निर्भर नहीं होते, हल्के नहीं होते, लाइट वेट नहीं होते, तब तक हम खुशहाल नहीं हो सकते। अगर हम भीतर से हल्के होंगे तो बाहर खुद ब खुद हल्का होता चला जाएगा। तो भीतर से हल्का होने का सबसे पहला फॉर्मूला, सूत्र या फिर स्टेप या मंत्र कहें, कुछ भी कह लीजिए, यह होगा कि हमें हल्कापन बढ़ाने के लिए खुद के विचारों को हल्का करना होगा। खुद के विचारों को हल्का कैसे करें? विचार भारी कब होते हैं? विचार भारी तब होते हैं जब हम दूसरों की थोपी थोपाई चीजों को मानने पर मजबूर होते हैं। तो हम विचारों के भार से, उन विचारों से छूटेंगे जो हमारे लिए मुसीबत का ढेर बने हुए हैं, जो हमें भारीपन, भीतर से भी भारीपन और बाहर से भी भारीपन, तन को भी भारीपन कर देते हैं, भार बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर हम भीतर से भारी होंगे, विचारों से भारी होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, तो खाना अत्यधिक खाना हो जाएगा, खाने की तरफ ध्यान अधिक बढ़ेगा, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या कम खाने लगते हैं। दो ही स्थितियाँ हैं, और भी स्थिति हो सकती है, कुछ भी अन्य। तब तो मैं कह रही थी कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम भीतर से हल्का मन बढ़ाएं, विचारों को हल्के रूप में तराशते हुए अंदर लेकर जाएं। इस तरह से नहीं, फिल्टर करना जरूरी है। नाक के बाल भी फिल्टर करते हैं वायु को, इसी तरह से हमें विचारों को भी फिल्टर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाहर से विचार आते चले जाएं और हम उन्हें अंधाधुंध अपने अंदर भरते चले जाएं, किसी की बात भी मानते चले जाएं। यह हमारे जीवन में भार का काम करता है। हमें निर्भर होकर जीना है, लाइट वेट होकर जीना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होगा कि हम दूसरों की थोपी थोपाई भार वाली चीजों को अवॉइड भीतर से करेंगे। बाहर से बातें आएंगी, हमें फिल्टर करना है। फिल्टर करेगा हमारा मस्तिष्क, विचार, विवेक। विवेक शून्य नहीं होना, हमें शून्य होकर रहना, निर्भर होकर रहना अलग बात है, लेकिन विवेक शून्य नहीं होना है, विवेक से पूर्ण होना है, उत्प्रोत सराबोर। तो हमें यह देखना है हम किस तरह से अपनी जिंदगी को और भी अच्छे ढंग से जी पाएंगे, हल्कापन लाकर, लाइट होकर। हमें लाइट कपड़े पसंद आते हैं, हमें लाइट जूती पसंद आती है, हमें लाइट हेयर स्टाइल पसंद आता है, हमें लाइट बालों का कलर पसंद आता है, बहुत कुछ लाइट लाइट लाइट, लाइट मेकअप भी पसंद आता है, सब कुछ लाइट रहे, लाइट। तो लाइट वेट हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में आए, इसी तरह से हमें लाइट विचार भी पसंद आते हैं। तो लाइट विचार हमें लाने हैं अपने भीतर। विचारों को ज्यादा
ऐसे नहीं सोचना कि विचारों को फिल्टर करना ही एक भार बनने लगे। विचारों को फिल्टर करना है, बट यह नहीं सोचना है कि विचारों को फिल्टर करना ही हमारे लिए भार बनने लगे। यह एक नई मुसीबत है। हमें कुछ इस तरह से खुद को बनाना है, मैनिपुलेट, किस तरह से ढालना है कि सब कुछ अपने आप सहजता में, नेचुरली, ऑटोमेटिकली, स्वतः अपने आप, स्वतः स्फूर्त अपने आप होने लगे। और ऐसा होने के लिए हमें चौकस, अलर्ट, भीतर से भी बाहर से भी। बाहर से तो हम होते ही हैं ज्यादातर, लेकिन भीतर से हम नादानी कर देते हैं। तो भीतर से जो हमारे भीतर रिकॉर्डिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है, वो बातों की तरफ हम चौकस रहे, तभी हमारा बाहर बदल पाएगा। भीतर से ही बाहर बदलता है। अकेले शरीर से तो यह तन भी निर्मित नहीं है, इसके भीतर कुछ है, आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। तो इसीलिए भीतर से भी हमें हल्केपन में हल्का महसूस करना है। जैसे जैसे हम हल्केपन में आएंगे, हम बाहरी हल्केपन जो परमात्मा का स्वभाव है हल्का रहना, तो हम खुद ब खुद हल्के होते जाएंगे। हल्का होने से प्रयास नहीं करना पड़ता है, हल्का अपने आप, यह हमारा नेचुरल प्राकृतिक गुण है, नेचुरल क्वालिटी। यह हमारे भीतर है ही है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़े से ध्यान देने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपनी ओर देखना है, अपने विचारों की ओर देखना है, खुद पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। विचार तो यहीं से सीखे हुए हैं, सब कुछ यहीं से सीखा हुआ है, कहीं बाहर से तो हम लाते नहीं है। हमने जो भी सीखा है यहीं से सीखा है, गीता सार, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो हम थोड़ा सा कृष्ण जी को नमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो भी है, हमें अपने भीतर सही तरीके से भीतरी गुण को अपने भीतर उतारना है, वह भीतरी गुण जो हमें हल्का बन जाता है। इसी हल्केपन के साथ वह हल्कापन हमारे बाहर भी आता जाएगा। जिस तरह से हम बाहर भी हल्केपन में होंगे, हमें बेचैनी ना होगी, हमें निराशा ना होगी, दुख ना होगी, तकलीफ ना होंगे, चिंता नहीं सताएगी, तो हमारा जीवन खुशहाल स्वतः होगा, ऑटोमेटिकली, उसे करना नहीं पड़ेगा। यह चीजें हमें अच्छी बनाती हैं, खुशहाल बनाती हैं, और लाइट वेट हमें जरूर रहना है। इसी के साथ हमें समझना है कि भीतर रिकॉर्डिंग जो हमारी चलती है वो किस तरह की चलती है, हम उसे जांचें परखें। भीतर की रिकॉर्डिंग को हमें जांचना परखना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही थी लाइट वेट की, लाइट विचारों की, ठीक है, लाइट थॉट्स की। तो भीतर हमारी जो भी रिकॉर्डिंग चलती है वो हमारे भीतर चल रही है। जिस तरह से हम घर में सामान लाते हैं, अपनी पसंद का लाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो हमारे भीतर बाजार विचारों का बाजार चल रहा है, उसमें से भी अच्छी जो फिल्टर करके उसको पूरी तरह से छान कर, भुन कर, जो भी चीज़ें हमारे पसंद की हैं, जो सामान, विचारों वाला सामान हमारे पसंद का है, वो हम अपने पास रखेंगे, और जो हमारे पसंद का नहीं है वो हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। धन कितनी भी हो, कुदरती करिश्मा है, लेकिन धन भार नहीं बननी चाहिए। उससे हमें घबराना भी नहीं चाहिए, उससे हमें शर्माना भी नहीं चाहिए कि हमें शोर उड़ना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हमें खुशी देती हैं, जीवन को खुशी से जीना है। बाकी चीज़ें बात की, तन के भीतर भी खुशहाली, मन के भीतर भी खुशहाली, खुशहाल जीवन के लिए लाइट वेट चीज़ें अपनाएं, बाहर से भी लाइट, भीतर से भी लाइट। शुक्रिया, सभी को नमन, सभी के भीतर परमात्मा तत्व को नमन, धन्यवाद।